पंचायत समाप्त हो गई है। गुर्जर पंचायत में NH-8 को जाम करने पर सहमति बनी है। आरक्षण मिलने तक हाईवे जाम की चेतावनी यहां पर दी गई है महापंचायत को। इसमें गुर्जर समाज ने हाईवे 8 की तरफ किया अपना रुख। आरक्षण मिलने तक हाईवे जाम की चेतावनी यहां पर महापंचायत में दी गई है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। गुर्जर आरक्षण की मांग को लेकर जो आंदोलन हो रहा है वो तूल पकड़ता हुआ और अब NH-8 को जाम करने की सहमति यहां पर उनके द्वारा बनी है, उसकी तरफ रुख यहां पर कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। महापंचायत की अजमेर के मांगलियावास में गुर्जर महापंचायत हुई, जो कार का कानून बनाया गया। गुर्जर पंचायत में NH-8 को जाम करने पर सहमति बनी, सर्वसम्मति से फैसला लिया गया और ये बात कही गई कि जब तक इन्हें आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक ये अपना आंदोलन शांत नहीं करेंगे। आरक्षण मिलने तक हाईवे जाम की इन्होंने चेतावनी दी है। मीडिया न्यूज राजस्थान पर यह इस वक्त की बड़ी खबर। अजमेर के मांगलियावास में गुर्जर महापंचायत समाप्त हो चुकी और इसमें तमाम लोगों की मौजूदगी रही। गुर्जर समाज के तमाम लोग इस दौरान उपस्थित रहे। संजय गर्ग मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद है। संजय, महापंचायत समाप्त हो चुकी है और क्या कुछ फैसले लिए गए? देखिए, जिस तरह से कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि इस बार समझौता किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा जब तक आरक्षण को नहीं दिया जाएगा। यही वजह रही कि अजमेर के अंदर भी आज एक महापंचायत का यहाँ पर आयोजन किया गया था जो कि मांगलियावास क्षेत्र के अंदर रखी गई थी। काफी संख्या में गुर्जर समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में आखिरकार ये फैसला लिया गया कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के साथ मजबूती से गुर्जर समाज अपनी बात को रखते हुए आज जो नेशनल हाईवे नंबर 8 है उसको जाम करके अपनी आरक्षण की मांग को एक बार फिर से बुलंद करेगा। और यही वजह रही कि अब से कुछ देर पहले ही जितने भी गुर्जर नेता थे गुर्जर समाज के साथ मिलकर हाईवे नंबर 8 की तरफ उन्होंने अपना रुख किया। हालांकि बाहरी